नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अस्तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को आपको आइडिया है ही ऑलरेडी कि मैं दशा के फल पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंट ग्रहों में डिफरेंट ग्रहों की दशा के फल कैसे जा रहे हैं, तो चंद्र की महादशा में अभी डिफरेंट ग्रहों के फल चल रहे हैं। सूर्य की महादशा में डिफरेंट ग्रहों के फल खत्म हो चुके हैं, अभी चंद्र की महादशा में डिफरेंट ग्रहों के फल चल रहे हैं। तो इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें चंद्र की महादशा में बुध की अंतरदशा अगर हो तो किस तरह के फल मिलते हैं उसके बारे में बताया। तो आज आपको एक इम्पोर्टेंट दशा के बारे में बताते हैं, क्योंकि उसको बता रहा हूं मैं आज इसके अंदर, कि चंद्र की महादशा हो और केतु की अंतर दशा हो तो फल कैसे मिलते हैं। ये इसमें बताया गया है। तो ये ऋषि पाराशर जो हैं, इसके बारे में ऋषि पाराशर के श्लोक बहुत क्लियर हैं एकदम। केतु और राहु के बारे में जितनी भी चीजें हैं, जितने ग्रह हैं, उनके बारे में बिल्कुल क्लियर हैं। वो कहते हैं चंद्रस्या अंतर्गते, चंद्रस्या अंतर्गते केतु केंद्र लाभ त्रिकोणगे, यानी चंद्र की महादशा हो उसके अंतर्गत केतु की दशा हो, केतु की अंतरदशा हो और केतु केंद्र लाभ और त्रिकोण भाव में हो, दुश्चिक्के बल संयुते धन लाभम महत्सुखम। और अगर बल संयुक्त हो, दुश्चिक्के मतलब बोलते हैं तीसरे भाव में हो, थर्ड भाव में हो, बल संयुक्त हो, बल के साथ हो, बली हो, तो ऐसी दशा में बहुत सुख मिलता है। महत् सुख, महत् सुख मीन्स महान सुख मिलता है, धन लाभ की प्राप्ति होती है, पुत्र पत्नी आदि की प्राप्ति होती है ऐसी दशा के अंदर। पुत्र दारा आदि सौख्यम च विविध कर्म करोति च, पुत्र दारा आदि मीन्स संतान और पत्नी आदि का सुख प्राप्त होता है। विविध कर्म, जो भी आप कर्म स्टार्ट करते हैं वो आपके संपूर्ण होते हैं। भुक्ति आदो धन हानिश्च मध्य सुखमाप न्युआत, ये ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर। इसमें ये कहते हैं बुक्स में आरंभिक दशा में जो होता है धन की हानि हो सकती है, लेकिन मध्य में सुख की प्राप्ति होती है, दशा मध्य में अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। तो ये ध्यान रखना है कि यदि केतु केंद्र त्रिकोण एकादश भाव में लाभ भाव में हो और तीसरे भाव में स्थित हो, बली हो, तो चंद्र में केतु की अंतरदशा जो होती है वो धन लाभ देने वाली होती है, पत्नी सुख देने वाली होती है, पुत्र सुख देने वाली होती है और धार्मिक कार्यों में अभिरुचि पैदा करने वाली होती है, अगर लगन से केंद्र त्रिकोण लाभ भाव और तीसरे भाव में केतु बैठा हुआ है, तब चंद्र की महादशा में। इसी के साथ कहा गया है दाय शेतात केंद्र लाभे वा त्रिकोणे बल संयुक्ते क्वचित फलम दशा दो तु ददात सौख्यम धनागमम गोम हिष्यादि लाभम चे मुक्ति अंदे चार्थ नाशनम। यानी ये कहते हैं यदि केतु महादशा स्वामी से, जिसकी महादशा चल रही है, महादशा किसकी चल रही है, चंद्रमा की, तो यदि केतु महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण या एकादश भाव में स्थित हो, बली हो, अभी तक तो हम लगन से देख रहे थे, इससे पहली स्लाइड में हमने देखा कि केतु लगन से अगर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो और तीसरे भाव में हो, बली हो, तो दशा अच्छी जाती है। अब वो कहता है, ऋषि पाराशर कहते हैं कि केतु महादशा स्वामी से, जहां महादशा स्वामी बैठा हुआ है कुंडली में, उससे केंद्र त्रिकोण या एकादश भाव में स्थित होकर बली हो, तो ऐसी अंत दशा के आरंभ में धन लाभ सुख एवं गाय बास पशुओं से लाभ होता है, मतलब पशुओं का लाभ होता है, दूध वगैरह गाय भैंस का खूब अच्छा मिलता है। पुराने जमाने में तो यही बोला करते थे, तो आज के जमाने में तो हम यही कहेंगे कि अच्छी धन की प्राप्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि दशा के अंत में धन का नाश भी हो जाता है, दशा के अंत में धन की हानि भी होती है। ये थोड़ा बात है, अगर महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में केतु बैठा हो तो दशा आरंभ में तो बहुत बढ़िया होता है, दशा आरंभ में धन लाभ भी होगा, पशुओं से लाभ भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन दशा के अंत में धन की हानि भी हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं पाप युक्ते अथवा दृष्टे, पाप युक्ते अथवा दृष्टे दायशे दर्नधारी पगे शत्रुतय कार्य हानि स्याद कस्मा तो कलहो द्रुवम। यानी पाप युक्ते अथवा दृष्टे, केतु यदि महादशा स्वामी से दायशे दरंद्राही फगे, रंध्र भाव जो बोलते हैं वो अष्टम भाव को बोलते हैं, अष्टम भाव को बोलते हैं, और केतु यदि दशा स्वामी से, महादशा स्वामी से यानी चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा से केतु यदि अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो, यानी जिसकी ग्रह की महादशा चल रही है कुंडली में उस ग्रह को देख लीजिए, अगर उससे केतु दशम आठवें और या बारहवें भाव में स्थित हो
पाप ग्रह से युत हो या द्रष्ट हो तो उसकी अंतर दशा में शत्रु से कार्य का नाश एवं आकस्मिक आपदा आती है, बहुत हानि होती है, धन की हानि होती है, सुख की हानि होती है, संतान हानि होती है और अकस्मात आपदा आ जाती है। यदि केतु द्वितीय या सप्तम भाव में स्थित हो, ये देखिए, यदि केतु द्वितीय या सप्तम भाव में स्थित हो, द्वितीय सप्तम भाव जो है ये दोनों मारक भाव कहलाते हैं कुंडली के, तो यदि केतु द्वितीय या सप्तम भाव में स्थित हो तो शरीर में रोग एवं महाभय होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। इस श्लोक के अंदर ऋषि पाराशर ने कहा है कि केतु यदि महादशा स्वामी से, महादशा स्वामी से लगाइए, वहां से काउंट कीजिए, यदि वो अष्टम या द्वादश भाव में स्थित है, पाप ग्रह से युत या द्रष्ट है, शनि से मंगल से इनसे युत है या द्रष्ट है, तो इसकी अंतर दशा में शत्रु से कार्य का नाश होता है, शत्रु द्वारा कार्य का नाश होता है और अकस्मात आपदा आ जाती है। और यदि केतु द्वितीय से सप्तम भाव में, जो मार्ग भाव हमारे उनमें स्थित हो तो शरीर में रोग एवं महाभय होता है, तो ऐसे में पाप प्रभाव के शमन हेतु मृत्युंजय मंत्रों का जाप करने से या भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही शांति तथा सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी की दशा में इस तरह की दशा चल रही है तो उसको उस केस में मृत्युंजय मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, तो उससे सुख और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। अगर इस तरह की स्थिति बन जाए, केतु द्वितीय या सप्तम भाव में स्थित हो तो शरीर में रोग और महाभय होता है, वो ध्यान देने वाली बात है। तो ये थी चंद्रमा में केतु की अंतरदशा। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई तो कैंडल लाइक कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं ये घोषणा भी करना चाहता हूँ कि मैं एक एस्ट्रोलॉजी का बैच स्टार्ट होने वाला है हमारा अभी मार्च के फर्स्ट वीक से। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने में शुरू से आखिर तक बिल्कुल एडवांस तक, तो वो अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं दिए हुए नंबर के ऊपर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।